खरगोन जिले में शासन की मंशा अनुसार संचालित हो रही मनरेगा योजनाओं को पंचायत महकमे द्वारा जबरदस्त पलीता लगाया जा रहा है, जिसे न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। दरअसल मामला जिले के भिकनगांव जनपद की ग्राम पंचायत अंदर का है, जहां सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन करके मजदूरों के हक पर सरेआम डाका डाला जा रहा है। लिहाजा स्थिति को देखते हुए ग्रामीण एकजुट होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और आप बीती सुनाई। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत महकमे पर आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव की मिलीभगत से मजदूरों के पैसों को गलत तरीके से निकालकर शासन को चुना लगाने का गोरख धंधा चल रहा है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से गुजारिश की है कि पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके लेन देन संबंधित हितग्राहियों के बैंक खातों की निष्पक्ष जाँच करके सरपंच सचिव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में गरीबों के लिए बनी जन कल्याणकारी योजनाओं पर पलीता लगाने पर अंकुश लग सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत अंदड़ में जो मंत्री सरपंच है वहाँ पर जो भी अभी मनरेगा का पेमेंट आया था, प्रधानमंत्री जी ने जो राहत दी थी किसान मतलब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ताकि उनको दो टाइम का जो खाना मिलना चाहिए वो मिल जाए। भाई क्या हुआ है कि यहाँ पर जो मंत्री सीओ जो है सरपंच है, उन्होंने जो पेमेंट है कुछ किसानों के खाते में या जो सक्षम लोग है, मजदूर तो नहीं है वो, उनको मजदूर नहीं बोल सकते, तो उनके खाते में पेमेंट डाल दिया उन्होंने। जिनको वास्तविक मजदूरी मिलना चाहिए, जिनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको ना मिलते हुए इन्होंने जो सारा पेमेंट आया था वो सिलेक्टेड व्यक्तियों के खाते में डलवाया। क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि आगे भी कार्रवाई कर चुके, लेकिन अभी तक कुछ उसका निराकरण नहीं हुआ है। कितना पेमेंट किया था? पेमेंट समथिंग ये 7 से 8 लाख के करीबन आया था, 11 लाख आया होगा। भाई कितना पेमेंट आया था? जो आप मजदूरों, आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण कहीं बाहर से ही मजदूर आए हैं, उनको अभी खाने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने उसी के लिए भेजा था कि ताकि ये मजदूरों को उसका काम हुआ है। अभी कुछ काम नहीं हुआ है साहब, पेमेंट निकल चुका है पूरा पेमेंट निकल गया है। अभी नाली गहराई में हाँ, वो अभी वो हमने फ़ोन लगाया था तो हमको ये बोल रहा है वो कि हमने ये पेमेंट निकाल लिया है, अब हम उसका जो काम है कंतिया जो चालू करवाना है वो आप करवाएंगे। तो ऐसा कोई काम नहीं होता है कि पेमेंट निकलने के बाद में दोबारा कोई काम चालू होता है। घर से आए हमारे गाँव में जो नरेगा का पैसा आया हुआ है वो ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं उनके द्वारा निकाल लिया गया फर्जी तरीके से। जो पैसा लाया है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि काम हो चुका है, काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है। किस काम का? इस प्रकार से करीबन अभी आने वाले कई सालों से चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है ये काम। और इसी प्रकार से कई योजना है जिनको पैसा अभी तक गांव में मिला नहीं है और गांव में काम हो रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। किस योजना का पैसा आया था और कैसे निकला? अभी नरेगा का जो पैसा आया था कुछ व्यक्तियों के खातों में डले हैं पर्सनली और उनसे द्वारा निकाल लिया गया है। मजदूरों के खातों में नहीं डले हैं। किनको डले पैसे? ये कुछ सक्षम लोगों के खातों में डले हैं। काम चला था क्या? नहीं, काम भी कोई नहीं चला है, किसी मजदूर को काम नहीं मिला है अभी तक। और अभी सभी मजदूर यही सोच रहे हैं कि हमें सहयोग राशि मिले, कुछ काम मिले, पर किसी मजदूर को कोई काम नहीं दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो काम के लिए आया है पैसा केंद्र सरकार द्वारा, वो ग्राम के कुछ व्यक्ति जो भी जिनके पास भी सक्षम व्यक्तियों के पास है, वो पैसा वापस उन किसानों को, उन मजदूरों को दिया जाए जो उनके हकदार हैं। उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी सचिव ऐसा काम ना करे और ग्राम पंचायत को दूषित ना करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है पवन यादव, सोनप दिलीप यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।